एवरी एक्टिविटी विल हैव मार्क्स. आई एम सेइंग, मैं आपको सारे बता रही हूँ. एवरीथिंग आई एम मेकिंग इट क्लियर नाउ. फर्स्ट इज योर रिपोर्ट फाइल. दैट इज योर हॉलीडेज होमवर्क. जो आपने हॉलीडेज होमवर्क में 3 एक्टिविटीज करके भेजी है, रिपोर्ट फाइल. ठीक है, दैट विल कैरी 3 मार्क्स. रिपोर्ट फाइल हॉलीडेज होमवर्क इसलिए लिखा बिकॉज यू हैड मेड दैट रिपोर्ट फाइल इन योर हॉलीडेज. आपने एज आफ्टर द हॉलीडेज आपने वो सेंड करी थी, आपकी चेक हुई है. कीप अ कॉपी ऑफ योर चेक फाइल ऑलवेज. मैंने पहले भी बताया था, कीप अ बैकअप ऑफ योर कॉपी चेक फाइल. चेक्ड फाइल हमेशा आपके पास होनी चाहिए. चाहे इसको गूगल ड्राइव पे सेव करो, प्रिंट आउट निकाल के रखो, आपके पास चेक्ड फाइल जो आई है दैट शुड बी विद यू बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन वो फाइल आपकी चेक होनी है. ठीक है, और वो चेक्ड होनी चाहिए, अनचेक्ड नहीं होनी चाहिए. जिन बच्चों ने अभी तक मुझे हॉलीडेज होमवर्क या आपको रिपोर्ट फाइल में जो 3 एक्टिविटीज आपको दी थी, लेटर और एक सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक था और एक आपका और टॉपिक था, ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजी है उनके ये 3 मार्क्स तो पहले ही गए. समझ लो 50 में से 47 रह गए. ठीक है, 3 मार्क्स यहाँ से चले गए उनके जिन्होंने अभी तक नहीं भेजी है. ओके, नेक्स्ट इज, लेट मी फिनिश फर्स्ट. योर प्रोजेक्ट वर्क, that will be of 5 marks. That is your presentation in Impress that you will make now and submit it by Wednesday. Wednesday तक आपने submit करनी है आपकी project file. Impress presentation होगी, बनेगा क्या उसमें? Foods of Andhra Pradesh. In which you will have, listen, in which you will have 3 dishes on each slide, 2 desserts, 5 slides, one slide will be your front slide, जब का टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है, जब के प्रोजेक्ट फाइल में जब फर्स्ट पेज लगाते हो, योर नेम सबमिटेड टू टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट विल बी योर फ्रंट पेज ऑन द फ्रंट स्लाइड. That will be one slide. ठीक है, second is your index for all the 5 slides. Index for all the 5 slides. हाँ, yes. Index में ना होगे कि first slide में जो क्या discuss हुआ है, second पे क्या. Yes, total 7 slides in your presentation. This presentation you will submit by Wednesday. वेडनेसडे तक आपको ये सबमिट करनी है. कंटेंट, फॉर्मेटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, पिक्चर्स, इट्स अप टू यू. एक इंडेक्स हो गया, दो कहाँ है? ओके, यू कैन राइट इट एज वन स्लाइड फॉर इंडेक्स, वन स्लाइड फॉर इंडेक्स, 3 डिशेस एंड 2 डेजर्ट्स. ओके, टोटल 7 स्लाइड्स विल बी देयर. दिस इज योर प्रोजेक्ट वर्क, कैरी 5 मार्क्स. चेक होने के बाद जो प्रोजेक्ट वर्क आपको वापस मिलेगा, सेव इट कॉपी. चेक्ड वर्क की कॉपी सबके पास ऑलवेज सेव होनी चाहिए, कभी भी डिमांड हो सकती है वापस. नहीं, मैंने आपको हॉलीडे से पहले बोला था वैसे वंशिका, आई हैड गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस. मैंने ये भी बताया था कि ड्राइव पे सेव करके रखो. आपका लैपटॉप खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, मैंने मोबाइल चेंज कर लिया, मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है, कुछ भी हो जाए, आप सबके पास एक एक जीमेल अकाउंट है ना? बिकॉज यू आर अटेंडिंग द जूम क्लासेस बाय यूजिंग एन जीमेल अकाउंट, यू आर अटेम्प्टिंग योर गूगल फॉर्म एग्जाम्स, ड्राइव पे उसका एक बैकअप रखो, चेक फाइल का. वहां से तो कहीं नहीं जाएगा, वहां से आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया. वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस. ठीक है जी, नेक्स्ट योर प्रैक्टिकल. Because this is half yearly exam, you will have your practicals, and practicals will be offline starting from Monday. As you are having A section, most probably you are having your turn on Monday. Practical, most probably for the whole class. Timings will be after 12:15, after school.
स्कूल एनीबडी इफ एनी स्टूडेंट हु इज यूजिंग द बस सर्विस फॉर द स्कूल दे कैन गिव मी द नेम बिफोर हैंड. जो लोग सेल्फ नहीं है बस पे आना जाना है जिनका जो बस यूज कर रहे हैं दे विल गिव मी योर नेम बिफोर हैंड बाय टुडे इवनिंग. आज शाम तक मुझे पहले बता दोगे कि अगर कोई बस से आ रहा है या किसी को बस बस सर्विस है या बस से ही जाना है दे कैन गिव मी योर नेम्स बाय इवनिंग टुडे. अदरवाइज ऑल ऑफ यू विल हैव एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 90% आपका एग्जाम प्रैक्टिकल का मंडे को है आफ्टर 12:15. आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन इन व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है आपके आने जाने के जो भी इंस्ट्रक्शंस है टाइमिंग्स क्या है दैट आई विल गिव इन व्हाट्सएप ग्रुप. आई एम मेंटली गिविंग यू एन बता रही हूँ कि आप प्रिपेयर रहो कि मंडे को आपका एग्जाम होगा. नाउ एग्जाम में वन एक्टिविटी विल बी ऑफ राइटर दैट इज ऑफ 10 marks. वन एक्टिविटी विल बी गिवन फॉर राइटर दैट विल बी ऑफ 10 marks. वन एक्टिविटी विल बी ऑफ इम्प्रेस that will be of 5 marks. Yes, 2 activities. And minded proper activity check hogi. ठीक है because आपको proper exams की तरह आपको 1 hour जैसे आपको बुला रहे हैं तो proper activity आपने करनी है. ये नहीं कि हाँ 2 lines लिखी तो काम खत्म हो गया मैम ने marks लगा दिए. Proper activity होगी assignment मिलेगी आपको करके दिखानी है and 5 for 2 marks. One question from impress, one question from writer. सारा कुछ ट्रांसपेरेंट पहले से बता रही हूँ मार्क्स दे रही हूँ. नाउ यू कैन से कि आपको जो चीज आपकी मिस हो रही है अपने मार्क्स अपने 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 आप माइनस कर लेना. प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिया है समझ लो 5 marks मिस हो गए हैं आपको 45 में से बाकी मिलेंगे मार्क्स. That is your class work. जो आपकी नोटबुक की जगह पर है वो असाइनमेंट्स नहीं उसके भी मार्क्स नहीं है करके रखो उसके अभी नहीं है बाद में हो सकते हैं. प्रेजेंटली हाँ जी कितने मार्क्स बन गए ये हाँ नहीं हो गए 5 और +3 8 8 और यहाँ पे क्या 25 17 और 8 25 unwritten exam 25. One question from writer, one question from impress. दोनों करने हैं. ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल डू बोथ द एक्टिविटीज. ऑप्शन नहीं है कि एक ने राइटर करना है या एक ने इम्प्रेस करना है. आपको दोनों राइटर और इम्प्रेस की एक्टिविटीज मिलेंगी आपने दोनों दोनों कर दी. दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम इन पीरियड. पीरियड में नहीं ले रहे हैं ना अलग से टाइम दे रहे हैं आपको. आपको प्रैक्टिकल एग्जाम प्रॉपर करना है और उसका मार्क्स लगने हैं. आपको मैंने पहले से बता दिया राइटर के 10 marks है इम्प्रेस के 5 marks है. 5 marks मैम सिर्फ प्रैक्टिकल दिन ऑलरेडी आप हॉलीडेज होमवर्क में सबमिट कर चुके हो और जिन बच्चों ने नहीं करी है उनके कोई मार्क्स नहीं है. मैम मैम सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए स्कूल आना है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल हैव द प्रैक्टिकल्स इन बेटा प्रैक्टिकल्स विल बी ऑफलाइन फॉर ऑल. प्रैक्टिकल्स विल बी ऑफलाइन फॉर ऑल. ऑल ऑफ यू हैव टू कम फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम. मैम प्रैक्टिकल देने सिर्फ प्रैक्टिकल देने स्कूल आने या फिर डिशेस ऑन एवरी यस नो बेटा वन डिश ऑन एवरी स्लाइड. 3 dishes 2 desserts दैट मींस 5 slides दैट मींस 1 dish and 1 dessert ऑन ईच स्लाइड. ऑल द 7 नो मैम आई एम आस्किंग दैट 3 slides 2 dishes 2 desserts 2 slides 1 for front page दैट इज योर इंट्रोडक्शन एंड 1 slide फॉर इंडेक्स. No, ma'am, I'm asking that हमें सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए बुलाना पड़ेगा. हाँ जी मैम तेरी आवाज नहीं सुन सकते. नहीं अभी नहीं चैट बॉक्स में भेज दीजिए. आपको व्हाट्सएप पे जैसे प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करोगे पीडीएफ बना के वेडनेसडे तक आपको टाइम दिया है. एंड मैंने कल भी बताया था ग्रुप में आपके बहुत सारे बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करी है.
मैंने कल नंबर लिखा था, कल तक सिर्फ 8 बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट करी है। 3 असाइनमेंट्स दे आर कंपलसरी फॉर एवरीवन टू सबमिट। यस आर्यन, यू हैव टू कम टू द स्कूल फॉर प्रैक्टिकल्स। अगर आपको 12:15 के बाद का टाइम देंगे तो दैट मींस यू हैव टू कम आफ्टर 12:15 फॉर प्रैक्टिकल्स, मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे। ओके, यस, टू लैब्स आर देयर, वी विल डिवाइड। ठीक है, हां जी, एनी अदर डाउट? हां जी, प्रैक्टिकल्स के साथ हाँ, टू क्वेश्चंस आर देयर। वाइवा में आपका होता क्या है, क्वेश्चंस आपके राइटर के गए हैं, आप यू हैड ऑलरेडी डन द असाइनमेंट्स, यू हैड ऑलरेडी डन द टेस्ट आल्सो, मेन्यूज ऑप्शंस। ठीक है, हाँ जी, Aryan, what you are asking, what service you need, what kind of service you need, what's the project, what a project work you have to submit by Wednesday. Project work you will submit by Wednesday. Yes, stop talking. मैंने आपको बोला ना, कवर नोट क्लियरली बोला, यू हैव टू टेक अ बैकअप ऑफ दैट, अपने पास संभाल के रखो, जहां मर्जी संभालो, मोबाइल में संभालो, पेन ड्राइव में रखो, कंप्यूटर में रखो, ड्राइव पे रखो, इट्स अप टू यू। व्हाई यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स? नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेक्शन की टर्न होगी ना बेटा? What happened on Monday now? Siren, I'm not getting anybody of your voice. I don't know why speaker is not working. Please retype your query in the chat box. Yes, anyone else? Ma'am, you wait for write down. Write it down. In the term 1, cyber safety topic will be of 15 marks. Office tools will be of 10 marks. In office tools, you will have the writer and impress. Half of impress and half of full writer. Okay. Now, in cyber safety, your topics are safely browsing the web using the social networks, identity protection, topics which are discussed in the book also, proper usage of passwords, privacy, confidentiality of information, cyber stalking, reporting cyber crime, and safely assessing websites, virus, malware, and adware. All the topics which we had already covered in the class. 15 marks exam will be from these topics. Office tools. In office tools, you are having the different topics for write-up, create and save a document, editing and formatting, adding headers and footers, formatting paragraphs, numbering, grammar, spell check, inserting symbols, print preview and printing. Then inserting pictures, changing the page settings, page bullets and numbering, border shading, inserting tables. Use format track, track changes, review comments, drawing tools, shapes, then presentation tools. Ma'am? Yes. Yes. Ma'am, practical देने मंडे आना है. हाँ जी बेटा, मंडे आना है. Ma'am, इतनी जल्दी कैसे?
बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डन द टॉपिक्स बेटा, प्रैक्टिकल हम कर मैम चुके हैं वैसे तो। मैम वो यूनिफॉर्म वगैरह आपके पास होगी बेटा यूनिफॉर्म तो? मैम नई साइज लेना पड़ेगा। ओके वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। प्रेजेंटेशन टूल्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइड शो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स, क्रिएट एंड सेव प्रेजेंटेशन, लर्न अबाउट द डिफरेंट व्यूज। दिस मच इज टॉपिक विल बी कवर्ड ओनली फॉर इम्प्रेस। इम्प्रेस का पूरा टॉपिक नहीं है आपके पास, सिर्फ इतना ही है। दैट्स व्हाई आई हैड गिवन यू अप टू पेज नंबर 202। ठीक है, दिस टॉपिक विल हैव 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। क्लियर है? दैट इज फॉर नेक्स्ट इज फॉर टर्म टू। टर्म टू जब टर्म टू करेंगे तब डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स का है। दैट मीन्स जो 3 चैप्टर्स हमने पहले कर लिए हैं दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। द नेक्स्ट टर्म टर्म टू में। दिस इज टर्म वन सिलेबस। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जाम एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर योर प्रैक्टिकल रिपोर्ट फाइल जो मेरे बच्चों ने अभी तक नहीं दिया। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू इफ यू वॉन्ट टू गेट द 3 मार्क्स। इफ यू वॉन्ट टू गेट द मार्क्स फॉर दोज रिपोर्ट फाइल यू कैन सेंड इट टू मी। ठीक है, आई एम स्टिल गिविंग यू द चांस टू सेंड मी द रिपोर्ट फाइल्स। यस जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें इंडेक्स पेज के बाद हर पेज पे एक एक डिश और एक एक डेजर्ट होगा। वन डिश ऑन वन स्लाइड, सेकंड डिश ऑन सेकंड स्लाइड, थर्ड डिश ऑन थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड पे वन डेजर्ट, फिफ्थ स्लाइड पे सेकंड डेजर्ट। मैम एनिमेशंस भी लगाने हैं ना? नो एनिमेशंस, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैंने अभी आपको सिलेबस मैम पीडीएफ मैम पीडीएफ भेज सकते हो। मैम हमें सिर्फ प्रैक्टिकल देने आना होगा या फिर पूरा सारी क्लासेस अटेंड करनी होगी? यू कैन कम फॉर प्रैक्टिकल्स। ओके मैम, आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन इन व्हाट्सएप फॉर दैट आल्सो। ठीक है, आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा कि आपने कब आना है, कैसे आना है। एंड मैंने पहले भी बता दिया, इफ एनीबडी इज यूजिंग एनी बस सर्विस, किसी को अगर बस में आने जाने की प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे पहले बताओगे अपना नेम्स। यू विल गिव मी द नेम्स। क्लियर? एंड वाइवा प्रैक्टिकल के टाइम्स पे होगा? यस, वाइवा प्रैक्टिकल के टाइम पे होगा।